हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है तीज, तो आप सभी लोगों को हैप्पी तीज। और ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई है रात में, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो आज मैं साड़ी पहनने वाली थी ग्रीन कलर की, लेकिन मैंने नहीं पहनी क्योंकि काम चल रहा है तो मन नहीं हुआ साड़ी पहनने का। और इस हाथ में मैंने दिन में मेहंदी लगाई थी और ये रात में लगाई थी क्योंकि काफ़ी अच्छे से कलर आ गया है। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ट्यू ने अभी नहाया है तो मैं उसको तैयार कर रही हूँ और वो बहुत शैतानी कर रही है। अपनी मेहंदी दिखाओ, दिखाओ। अच्छा, चूड़ियाँ तो दिखा दो नीचे। उस वाले हाथ में भी पहनो। वाह, कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं सोना की। इस वाले हाथ में भी पहनते हैं थोड़ी, आधी इसमें आधी इसमें। आपने तो सब एक में ही पहनी है। कैसे मैं पहना दूंगी, आप ही निकालो। और मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो अभी पहनूंगी मैं चूड़ियां। मैंने ट्यू का मेकअप किया है, दिखाओ ट्यू, आईज दिखाओ अपनी। मेकअप नहीं करा। तो क्या करा है? आप क्या कर रही हो? चूड़ी निकाल रही हो। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ पैरों पे आलता। और पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी, तो हमारे यहाँ कोई भी तीज त्योहार होता है तो पैरों पे आलता लगाया जाता है, तो मैं भी लगा रही हूँ। और मुझे आलता लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ, लगा ही नहीं पाती हूँ। तो आज मैं लेकर बैठी हूँ और अपने पैरों पे लगा रही हूँ आलता। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी तीज का सामान। तो ये है मेरी तीज का सामान जो कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए हैं। वैसे तो हर बार मैं ही जाती हूँ मार्केट लेने, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो लेकर आए हैं। मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो ये पैरेट ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मंगाई हैं मैंने उनसे, प्लेन चूड़ियाँ मंगाई थी। और ये मल्टी कलर में कड़े लेकर आए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये कड़े। और
और एक ये वाली चूड़ियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि इस कलर की भी मेरे पास साड़ी है। तो ये सारा सामान वो मेरे लिए लेकर आए हैं, और ये साड़ी मेरी पहले की है, तो मैं आज सोच रही थी कि ये वाली साड़ी पहनूंगी, लेकिन काम चल रहा है घर में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था साड़ी पहनना, इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी है। तो आपको मेरा सामान कैसा लगा और मेरी साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग कैसे तीज मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो भी मेरे साथ शेयर करना। और ये है मेरी साड़ी जो कि मैं आज पहनने वाली थी और मैंने नहीं पहनी, क्योंकि घर में काम चल रहा है तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पहनना। और ये सिल्क की साड़ी है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ली है, तो इसे सिर्फ मैंने एक ही बार पहना है, तो मैंने सोचा आज ये वाली पहन लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं पहन पाई। तो अभी शाम हो गई है और मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे रात का खाना बनाना है। तो मैंने आज रात के खाने के लिए आलू बॉईल करे हैं, और अभी मैंने बर्तन भी धोए थे तो उनको लगा देती हूँ ताकि मेरा स्लैब खाली हो जाए, और उसके बाद मैं आराम से खाना बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ बॉल्स, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले पिज़्ज़ा का सामान लेकर आई थी तो थोड़ा सा चीज़ बच गया था, तो अथर बोल रहा था कि चीज़ बॉल्स बना के दो, तो आज मैं उसके लिए चीज़ बॉल्स बना रही हूँ, और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आलू की। तो यहाँ पर मैं आलू को छील रही हूँ। ट्यूब बर्तन लगा रही है, बहुत काम करती है ट्यूब लगा। और मैं आलू छील रही हूँ, इसकी सब्जी बनाऊंगी आज रात। ये आलू मैंने छील दिए हैं और अब मैं इनसे चीज़ बॉल्स बनाऊंगी और थोड़े आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी टमाटर डालकर। मैंने आलूओं को मैश कर लिया है और इसमें अरारोट डाल दिया है, तो अभी मैं इसमें डालूंगी मसाले, और ये रखे हैं यहाँ पर मसाले, और ये चीज़ है। तो अभी मैं इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और ये चाट मसाला है, ये सब चीज़ डाल दूंगी। आपके पास ओरिगैनो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और चिली फ्लेक्स भी। अब हम आलूओं में मसाले मिक्स करेंगे, तो सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, और उसके बाद मैं डालूंगी मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला है बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये जो आलू बचे हैं इनकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे,
और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। अब मैं बना रही हूँ बॉल्स, तो मैंने यहाँ पे चीज़ क्यूब्स में कट कर लिया है और इसके अंदर एक एक डाल के और अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया है आलू से। और ये मैंने अरारोट का घोल बनाया है, इसमें डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी, तो मैंने ये ऑयल में डाल दी हैं और ये अरारोट की वजह से चिपक गई हैं, तो इनको ज़्यादा नहीं हिलाना है। थोड़ी देर बाद जब ये फ्राई हो जाएंगी तो ये खुद अलग हो जाएंगी। हमारी बॉल्स अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। और अरारोट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। तो बहुत गर्मी लग रही है किचन में और मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अभी भर देंगे, पीना है ना। तो अभी मैं पानी भर रही हूँ और ट्यू ये फ्रिज में रखेगी। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अभी हल्की सी बूंदा बांधी हुई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो अभी मैंने आपको अपनी शॉपिंग दिखाई थी तीज की, तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये देखिए किचन से आई हूँ तो कितना पसीना आ रहा है। Hello. और मैंने कल काजल लगाया था तो आंखें काली काली सी हो रही हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं पर एंड करती हूँ और अब आपसे मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट भी करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ।